Orta bekli bunun alakalı var bağırdı. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen तो वहां पे बजरंगी क्या जो भी है वो आए उन्होंने हमें गाड़ी में बिठा के ले गए जिससे मुझे वहां पे जाके बहुत बुरा भला और अपने धर्म के बारे में बहुत बुरा बोला मुझे और छोड़ने को भी बोला और जान से मारने की धमकी दी और मेरे को एक रूम में ले जाके नाखून मारे और बेल्टों से पिटाई की थप्पड़ मारे किसने पिटाई की आपको दो लेडीज पुलिस थी जिनका नाम एक का पता है ना मां मुझे एक दो स्टार लगे हुए थे उन्होंने मार ये पुलिस की मौजूदगी में हुआ सब कुछ तो क्या पुलिस पुलिस साहब ने गुहार नहीं लगाई थी उस वक्त पुलिस ने मैं बहुत ऊंची बोली पर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी ये तो उन्होंने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करा जी काजी के सामने धर्म परिवर्तन करकर निकाह करा निकाह करने के बाद ये लोग माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद गए और माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में जाकर रिट दायर करी माननीय उच्च न्यायालय ने इनके निकाह को एक्सेप्ट करा उसके बाद इन्हें डायरेक्शन दिए कि आप जाइए पुलिस डायरेक्शन मिलेगी आपको जिस वजह से ना आज सुबह 11:05 पर हम एडीएम साहब के यहाँ पर पहुंचे कमिश्नर साहब आए हुए थे बोला उनकी मीटिंग चले मीटिंग के बाद आपकी कोर्ट मैरिज दाखिल होगी उसके बाद 11:30-11:15 मैं दूसरी कोर्ट में चले गया इतने में बजरंग दल के नीरज काणा जिला अध्यक्ष ये लोग वगैरह सब आए 100 आदमी इकट्ठा होकर और इनको मारने पीटने लगे जो मुस्लिम प्रकरण होने के कारण यहाँ पे कुछ हिंदू संगठन के लोग यहाँ पे आ गए थे जो शायद उनको पता नहीं था लेकिन माननीय न्यायालय से इनको शादी करने का और इनको सुरक्षित रखने का आदेश भी था इस सूचना पर जब पुलिस पहुंची तो पाया कि इनके साथ कुछ दुर्व्यवहार हुआ है मैंने इस पर इंस्पेक्टर कोतवाली को हिदायत कर दी कि जो भी तहरीर आती है उसका अभियोग दर्ज कर लें और इनको सुरक्षित यहाँ से निकाला गया है साथ ही साथ जो भी जिनके साथ वो लड़की जाना चाहती थी चूँकि बालिग थी तो उनको भेज दिया गया है और बाकी में जो भी तहरीर आई है उस पर अभियोग भी दर्ज किया जा रहा है इनके खिलाफ नहीं गलत है ये आरोप गलत है जब ये हुआ तो वो यहाँ पे संभवतः उसने अपने को कहा कि मैं आत्महत्या कर लूँगी तो इस क्योंकि कचहरी परिसर में इस तरह का कोई भी चीज़ कहना सनसनी फैलाने की बात है तो उसमें उसको गिरफ्तार करके ले जाया गया बाद में जब इनके कागजात देखे गए और सब चीज़ें जानी गई तो उसे आश्वस्त किया गया और उस आश्वासन के बाद से वो चली गई यहाँ से अपने जिनके साथ उनको जाना था और उनको भेज दिया गया जहाँ तक इसकी पिटाई की बात है थाने पर ये गलत है हाँ ज़रूर यहाँ पर कुछ हाथापाई कचहरी परिसर में हुआ जिसके संदर्भ में अभियोग दर्ज किया जा रहा है सुरक्षा दे रहे हैं आपको क्या कर लोगे सुरक्षा में अरे मैं सुरक्षा अच्छा